माँ नव दुर्गा के पावन पर्व पर दिनारा गहोई महिला मंडल के द्वारा गरबा नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। माँ दुर्गा नव दुर्गा की पावन पर्व पर नृत्य महोत्सव दिनारा गहोई मंडल द्वारा गरबा का आयोजन गणेश वाटिका परमा शक्ति के गीतों के साथ संपन्न किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल गहोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कट्ठिल, अखिल भारतीय गहोई समाज के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश बंधु, अध्यक्ष 84 क्षेत्रीय गहोई वैश्य समाज इंजीनियर शिव शंकर सेठ, अध्यक्ष 84 क्षेत्रीय गहोई महिला मंडल श्रीमती ज्योति डिंगरे, कार्यकारी अध्यक्ष 84 क्षेत्रीय गहोई वैश्य श्रीमती रजनी गुहरा और समस्त 84 क्षेत्र के पदाधिकारी के बीच गरबा महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वप्रथम गणपति बप्पा माँ शेरावाली को माल्य अर्पण कर दीप प्रज्वलित कर माँ की आराधना की गई। कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती आकांक्षा नितिन रावत ने बताया कि हर वर्ष गरबा महोत्सव का आयोजन गहोई महिला मंडल द्वारा किया जाता है। उसी क्रम में आज यह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इसमें लगभग 100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कथक गुरु मनोज कोठारी के द्वारा यह गरबा नृत्य विगत कई वर्षों से महिलाओं बच्चियों को सिखाया जाता है। महिलाएं बच्चे नव दुर्गा के पावन पर्व पर गरबा नृत्य कर माँ की आराधना करती है। कार्यक्रम में करेरा गहोई समाज के अध्यक्ष द्वारका निखराम, दिनारा गहोई समाज के अध्यक्ष राजेश अमर, जय जय वकील वीरेंद्र यादव, अरविंद आडोली, नीटू दुबे, रानू बिलैया सहित कई लोग मौजूद रहे। संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। का इतना सुंदर गरबा देखने का हमें सुअवसर प्रदान किया है, इसलिए इसके कार्यक्रम की संयोजक आकांक्षा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम के आयोजन में जिन जिन बांधवों ने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से अपना योगदान दिया है उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और सम्मानी गुरु जी, आपने कोठारी जी जो मेहनत की है, मैं समझता हूँ आपकी मेहनत का ही प्रतिफल है कि ये सब देखने को मिला है। मैं समझता हूँ कि जितना पसीना है मात्र शक्ति ने बहाया है। मैं समझता हूँ, हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, हमारे शिवशंकर जी वगैरह चर्चा कर रहे थे कि कितना पसीना मात्र शक्ति ने बहाया है। मैं समझता हूँ आपका ये आराधना कभी खाली नहीं जाएगी। माता जी का आशीर्वाद आप सबके साथ रहेगा। मैं अपना माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि ना हो सबको उसकी पूर्ति करें। और आकांक्षा जी, आपने मैं तो क्योंकि हमारे परिवार में शादी आई है तो मुझे समय नहीं था, लेकिन आकांक्षा जी का विशेष आग्रह था कि आवश्यक रूप से यहाँ आना है और आप सबके दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला है। और यहाँ हमारे बीच में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हमारे क्षेत्रीय सभा के अपने कार्यकारी अध्यक्ष भाई सुरेश बंधु, क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष भाई शिवशंकर सेठ जी, मातृ शक्ति के अध्यक्ष ज्योति जी और तमाम पदाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हुए। यहाँ के गहोई समाज के अध्यक्ष जी और तमाम युवा शक्तियों का मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ। बंधु, आप सबने सबके दर्शन करने का अवसर दिया, मैं इधर से आभार व्यक्त करता हूँ। और उम्मीद करता हूँ ऐसा ही माता रानी के की आराधना आप लोग करते रहे। और जो सुंदर आयोजन और माता बेटी का जो मैं समझता हूँ जो तुकबंदी का जो हमने यहाँ नृत्य देखा, तबीयत बड़ी मस्त हो गई। मैं समझता हूँ कि ऐसा ही जितना कॉम्बिनेशन करके और आकांक्षा जी का मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आज के आकर के जो मॉनिटरिंग कर रही थी, सबका उत्साह वर्धन कर रही थी, मैं ध्यान से देख रहा था। और गुरुदेव लाकर कोठारी जी लगातार उत्साह वर्धन कर रहे थे। मैं हृदय के अंतःकरण से आपको महासभा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और आशीर्वाद के लिए क्या, मैं तो शायद आप लोगों से बड़ा हूँ, तो मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ और आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और माता जी का आशीर्वाद आप सबके साथ रहेगा, जिसकी मनोकामना जो होगी माता जी पूरी करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।